Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's lecture, I am going to discuss determination of calorific value. So first, we have to recall what is calorific value. Basically, it is the amount of liberated heat by combustion of unit mass of fuel. अगर हम किसी भी फ्यूल का यूनिट मास ग्राम या किलोग्राम्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो उस फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से रिलीज होने वाली जितनी भी हीट है उस लिबरेटेड हीट को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इससे पहले की वीडियोस में मैंने कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी डिफरेंट टाइप्स, उनका कोरिलेशन और साथ में यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्लेन किया है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से भी आप इसको एक बार ही समझ सकते हैं। नाउ मूविंग टू अवर वीडियो, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम दो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। एक मेथड है हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, वन इज थ्योरेटिकली एंड सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटली। अगर हम थ्योरेटिकल मेथड की बात करें तो थ्योरेटिकल मेथड में हम कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं बाय ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उस नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए फ्यूल की परसेंटेज एनालिसिस। यानी क्या रिक्वायरमेंट हुई हमारी, परसेंटेज एनालिसिस ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने मेंशन कर दिया कोल इज रिक्वायर्ड। जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं होगी तब तक हम अपने ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकल मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें परसेंट कॉम्पोजिशन चाहिए, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फ्यूल या कोल के अंदर कितने परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। दूसरा मेथड हमारे पास है एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है बॉम कैलोरीमीटर। ये एक एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। इस मेथड को हम कभी भी गैसियस फ्यूल के लिए यूज नहीं करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके लिए हम बॉम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ये आपको मेथड भी पढ़ना है, जो पूरा एपरेटस है उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कैलकुलेशन, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जिसको हम दूसरी वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। आज की इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगी बाय ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, यानी कि अपने थ्योरेटिकल मेथड के लिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला, जिसके लिए नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई क्या होनी चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फ्यूल का हमारे पास होना चाहिए, इट इज नेसेसरी और इट शुड बी अवेलेबल। तो ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले में हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम थ्योरेटिकली किसी भी दिए हुए फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले को हम एक्सप्रेस करते हैं Q इज इक्वल टू 1/100 कैपिटल ब्रैकेट यहां पर मेंशन कर रही हूं 8080 सी प्लस 34500 स्मॉल ब्रैकेट एच माइनस ओ बाय 8 प्लस 2240 एस। अब इस पूरे फॉर्मूले में जितने हमने सिंबल्स लिखे हैं, कार्बन सी एच ओ दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, तो पहले इनको मेंशन करते हैं उसके बाद इस फॉर्मूले को समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है।
तो इसमें मेंशन करेंगे वेयर, सबसे पहले क्यू, इट इज ग्रॉस ऑब्लिक हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अब इस ग्रॉस और हाई कैलोरीफिक वैल्यू को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, जीसीवी या फिर एचसीवी, और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो कैलोरीफिक वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी फ्यूल का अमाउंट हम इन जनरल किस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, किलोग्राम की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्यूल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है किलोग्राम्स की फॉर्म में है, तो हम अपने थ्योरेटिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इफ वी हैव गोन थ्रू द एनालिसिस ऑफ फ्यूल। लेकिन अगर हमारे पास फ्यूल का अमाउंट कम है ग्राम्स या मिलीग्राम्स में है, तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रेफर करते हैं जो कि है बॉम कैलोरीमीटर से। तो बाकी आगे की चीजें देखते हैं। वेयर सी इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, एच इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो भी हमें फ्यूल में दी हुई होगी, then O is the percentage of oxygen and last one is S which is the percentage of sulfur। तो ये हमारे फॉर्मूले के सारे एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन हुई कि हम Q किसे कह रहे हैं, C, H, O और S क्या है। अब ये जो टर्म्स यानी नंबर्स जो लिखे हुए हैं 8080, 3450, 2240 ये क्या है, इन सारे के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू हैं, यानी फॉर्मूले में यूज होने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू को इंडिकेट करती हैं। तो अगर हम समझना चाहें तो कैसे इसको समझेंगे कि जितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है उसकी इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू, जितने परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू, और जितना सल्फर प्रेजेंट है उसकी इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू का जो सम टोटल है वो सम टोटल हमारा इक्वल होता है बाय ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला जीसीवी या एचसीवी के। तो इन तीन एलिमेंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू को तो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस ओ बाय एट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितना भी ऑक्सीजन फ्यूल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, H2O की फॉर्मेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मैंने पहली वीडियोज में भी आपको समझाया है कि अगर हमारे फ्यूल के अंदर मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है किसी भी तरीके से, तो ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हमेशा कम करने का काम करता है, यानी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करने का काम करता है। ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को इनक्रीज करने में कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। तो जितना ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने इसको कंसिडर किया H-O/8। इसके अलावा जो रिमेनिंग हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन 3450 यानी अपनी इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में फ्यूल की टोटल कैलोरीफिक वैल्यू में पार्ट प्ले करेगा। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 8080 इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन, then 3450 is the calorific value of hydrogen and 2240 is the calorific value of sulfur, और ऑक्सीजन के लिए हम मेंशन करेंगे ऑक्सीजन इन फ्यूल इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन एज
H2O. Hence, it does not increase the calorific value of fuel. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस कर रहे हैं जितने हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होगा. अब यहाँ 1 और 8 का रेशियो क्या है कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है. इसलिए साथ में हमने यहाँ फॉर्मूले में मेंशन किया है 1/100. ये 1/100 किसके लिए है, हमने C लिया परसेंटेज ऑफ कार्बन, H लिया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर. तो इन सब के परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, 1/100. यानी सबके परसेंटेज साइन को हमने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस किया 1/100 की फॉर्म में. तो ये हमारा ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला हुआ, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी फ्यूल के लिए थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू और इन टर्म्स ऑफ जीसीवी. जब हम फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और अगर हमसे क्वेश्चन में एनसीवी की कैलकुलेशन भी पूछी जाती है, तो उस एनसीवी के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. जितनी स्टीम फॉर्मेशन होगी उसकी लेटेंट हीट की फॉर्म में हम एनसीवी की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इस फॉर्मूले को भी ऑलरेडी मैं जीसीवी एनसीवी दोनों के कोरिलेशन की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो यू कैन चेक द लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इन दिस फॉर्मूला H इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, हाइड्रोजन के परसेंटेज साइन को हटाने के लिए हमने 9/100 किया जिससे कन्वर्जन हुआ 0.09 की फॉर्म में. तो आई होप इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके अगर आपको परसेंट कॉम्पोजिशन दिया जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जीसीवी और एनसीवी के अमाउंट को. इससे अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को हम समझेंगे, यानी किस तरीके से हमें सारी वैल्यूज प्लेस करनी होंगी, जीसीवी और एनसीवी की कैलकुलेशन करनी होगी अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हो. तो इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि कैलोरीफिक वैल्यू को हम 2 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली. थ्योरेटिकली हमने लिया ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास है बॉम कैलोरीमीटर मेथड. इस वीडियो में थ्योरेटिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया मैंने, विद द हेल्प ऑफ ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जीसीवी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एनसीवी. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच.